हनुमान जी को माता सीता का पता किसने और कैसे दिया था? रामायण काल में लंकापति रावण जब साधु का वेश बनाकर माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान से लंका लेकर जाता है तो एक पक्षी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि जटायु थे, जो एक गरुड़ पक्षी थे। माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने शक्तिशाली रावण पर हमला बोल दिया था, परंतु शक्तिशाली रावण ने जटायु के पंख काट दिए जिससे जमीन पर आ गिरे। किंतु प्राण त्यागने से पहले श्री राम को रावण के बारे में बताया कि रावण द्वारा माता सीता को ले जाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पौराणिक कथा के अनुसार जटायु के एक भाई भी थे जिनका नाम संपाति था, जो दोनों अरुण नाम के देव पक्षी की संतान थे, जो स्वयं अरुण प्रजापति कश्यप की संतान थे तथा इन्हीं के एक भाई थे जिन्हें गरुड़ कहा जाता है। इसके अलावा बता दें, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के वाहन भी गरुड़ ही हैं तथा अरुण सूर्य देव के सारथी हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार रावण द्वारा प्रहार के कारण जब जटायु की मृत्यु हो गई तो भगवान राम की मदद के लिए उनके सभी सहयोगी जुड़ गए, जिसमें उनके परम भक्त हनुमान, जामवंत, अंगद, सुग्रीव आदि थे। माता सीता की खोज करते करते इन्हीं में एक और नाम शामिल हुआ था, जो था संपाति। शास्त्रों के अनुसार संपाति और कोई नहीं बल्कि जटायु के भाई थे, जिन्हें हनुमान जी ने रावण द्वारा सीता माता को ले जाने तक से लेकर जटायु जी को मृत्यु को प्राप्त हो जाने तक की पूरी घटना बताई थी। प्रचलित कथाओं के अनुसार यह खबर सुनकर संपात को अत्यंत दुख हुआ था, जिसके बाद संपात ने अपनी नज़रों को घुमाना आरंभ किया। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि संपात की नज़रें बहुत तेज थीं और वह बहुत दूर तक देख सकते थे। अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से हनुमान जी को और जामवंत को बताया था कि रावण माता सीता को लंका ले गया है, जिसके बाद हनुमान जी ने यह समाचार तुरंत भगवान श्री राम को दिया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।